लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के नेता सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के एक बयान से सियासी तूफान मच गया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने नॉर्थ ईस्ट मुंबई के एक प्रचार अभियान में प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर शिवसेना शिंदे गुट के नेता आग बबूला हो गए। शिंदे गुट के नेताओं ने प्रियंका चतुर्वेदी पर हमले करने शुरू कर दिया। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए संजय निरुपम ने कहा था कि यूबीटी की एक महिला सांसद ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और कल्याण लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे पर बेहद अभद्र टिप्पणी की है। अगर उन्हें अपने बयान पर शब्दांश विश्वास है तो आदित्य ठाकरे के माथे पर लिखा होना चाहिए, मेरा बाप महागद्दार है। वही शिवसेना शिंदे गुट की प्रवक्ता शीतल महरात्रे ने प्रियंका चतुर्वेदी पर हमला किया और कहा कि उनका दिमाग सठिया गया है। ध्यान रखो, तुमने शेर के मुंह में हाथ डालने की कोशिश की है। गद्दारी तो उनके पिता ने बीजेपी से युति तोड़कर की थी। बाला साहेब कांग्रेस के ताउम्र विरोधी थे, लेकिन उन्होंने उस पार्टी से हाथ मिलाया। मुंबई की नॉर्थ ईस्ट लोकसभा क्षेत्र में एक चुनाव प्रचार के दौरान शिवसेना उद्धव गुट की नेता और सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे पर कड़ी टिप्पणी की थी। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा था, श्रीकांत शिंदे के माथे पर लिखा है, मेरा बाप गद्दार है। एकनाथ शिंदे कौन है? एक गद्दार है। उन्होंने आगे कहा कि ये आवाज़ थाने तक पहुँचनी चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी ने इस दौरान अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार के एक डायलॉग का नजीर दिया। उन्होंने कहा कि एक फिल्म दीवार आई थी, उस फिल्म में अमिताभ बच्चन के हाथ पर लिखा रहता है, मेरा बाप चोर है। श्रीकांत शिंदे के माथे पर लिखा है, मेरा बाप गद्दार है। प्रियंका चतुर्वेदी के इसी बयान पर अब घमासान मचा हुआ है।